Hello young charms, I am your English trainer Pooja. Today we will start our chapter number 16 of book Grammar Glitter Odyssey of grade 5 by Brain Root. It's a product of Amit Publishing House. So children, today we will start our chapter number 16, that is perfect tenses, past and present. Again I repeat, today we will start the chapter number 16 of our book, and the name of the chapter is Perfect Tenses, Past and Present. Let's start. Read it. Present perfect tense. Present perfect tense. Read these sentences. I have hurt my knee. I have hurt my knee. Gagan has bought t-shirt. Bruno has eaten his meals. क्या होता है ये, क्या दर्शा रहे हैं सारे tense sentence? कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसका इफेक्ट अभी भी है. अभी अभी क्या हुआ है, मैंने अपना घुटना क्या कर लिया, चोट लगा ली है अपने, हर्ट कर लिया है मैंने अपने आप को. सो सीधा आ जाते हैं, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to talk about actions that begin in the past and have been recently completed. Past mein hue hain aur bilkul abhi abhi complete hue hain. Present perfect tense. To kya karenge, is line ko yahan se bhi pad sakte hain, but whose effect are still present, par unka effect abhi bhi है, अभी भी दिख रहा है, अभी भी प्रेजेंट है. इनका कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं. कैसे बनते हैं ये सेंटेंस? सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में बात हो रही है, राम, सीता, ही, शी, दे, वी, यू, ऑल. उसके साथ हम हैज और हैव को ऐड करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन कॉम्प्लीमेंट. नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा, आगे आ जाएगा नॉट. उसके बाद सेम है हमारा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा एंड देन कॉम्प्लीमेंट. क्वेश्चन है तो हैज हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन कॉम्प्लीमेंट. ये हमारे कुछ रूल्स हैं, और चलिए इन रूल्स के साथ अब हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द फॉलो इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दैट फर्स्ट वी डैश फाइंड, इसे नेगेटिव में बदलना है, इट येट. क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें आ जाएगा वी हैव. अब यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, वी हैव नॉट फाइंड इट येट. वी हैव नॉट फाइंड इट येट. तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के सामने हमने हैव यूज करा, और नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, फाइंड येट. Vinu and Parvati dash invited all their friends for today's party. Vinu and Parvati have invited all their friends for today's party. Shashi, negative mein badalna hai. Shashi has, kya aa jayega, not. स्लीप की जगह हो जाएगा स्लेप्ट ऑल नाइट. शशि हैज नॉट स्लेप्ट ऑल नाइट. डैश ही डैश फिनिश्ड हिज वर्क. ही फिनिश का हो जाएगा फिनिश्ड. हिज वर्क. इट बी का जगह हो जाएगा इट हैज. नेगेटिव में आएगा तो इट हैज नॉट बीन द सेम एवर सिंस यू लेफ्ट. तो ऐसे ही आपको इन सेंटेंसेस को वर्ब के साथ हैज हैव
या फिर वर्ब के साथ अगर आपका नेटिव है तो हैज हैव नॉट प्लस थर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब से आपको इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है. नाउ दीज रिमेनिंग सेंटेंसेस इज होमवर्क फॉर यू. रिट्रेट पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस. रीड दीज सेंटेंसेस. आई हैड फिनिश्ड द एग्जाम बाय टाइम बेल रैंग. राम हैड finished his work before Ravi and arrived in the office. Ram ne Ravi ke aane se pehle hi apna homework kar liya. They had eaten two biscuits by the time dinner was served. Jab tak ke dinner banta tab tak unhone do biscuit kha liye. The verbs had finished and had eaten show action that were completed before the action of the verbs ran. तो ये वो वाले वर्क हैं कि जब तक कि जो है आपका एक एक्शन होता तब तक दूसरा वो कर चुके हैं. एंड अराइव सर्व स्टार्टेड. जब तक खाना आता या क्या होता खाना सर्व होता तब तक वो दूसरे एक्शन कर चुके हैं. दे आर इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. और ये कैसे हैं इन्हें क्या कहा जाएगा. इन्हें कहा जाएगा ये चीजें वो है जो पास्ट परफेक्ट टेंस है. पास्ट की यहां पर बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की. The past perfect tense is used for an action that happened before another action in the past. तो अब यहाँ पे उस action की बात हो रही है जो एक जो हो चुका है उसके बाद जो हो रहा है कि पहले अगर हमने खाना खा लिया इससे पहले कि हमने दो बिस्कुट खा लिए सॉरी कि इससे पहले कि खाना आता. तो यहाँ पे किस action की बात हो रही है कि अब जो हो रहा है और जो हो चुका है उसके बाद अब क्या हो रहा है. खाना आता और हमने खा लिया पास में आपने क्या किया उसकी बात हो रही है. द लेटर एक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिंपल पास्ट टेंस. जो लेटर बाद का एक्शन है वो सिंपल पास्ट टेंस है और उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका एक्शन इन उसको हम क्या बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. क्लियर है आपको कि हमने काम फिनिश कर लिया वो क्या है हमारा वो पास्ट परफेक्ट टेंस है कि हम कर चुके हैं इससे पहले कि राम आता उससे पहले मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया. चलिए आते हैं इसके रूल देख लेते हैं. अफर्मेटिव सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ आपका आ जाएगा हेड. हेड आ जाएगा आपका और हेड के साथ आपकी आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन कॉम्प्लीमेंट. नेगेटिव में आपका सेम है सब्जेक्ट हेड और हेड के साथ नॉट आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और देन कॉम्प्लीमेंट. तो ये इसके कुछ रूल्स हैं. इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेड आ जाएगा उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन कॉम्प्लीमेंट. आइए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई डैश दिस टाउन बिफोर टुडे. आई हैड अगर नेगेटिव है तो आ जाएगा Not, ये आ गया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा हेड. नेगेटिव है हमारा तो आ जाएगा नॉट और विज का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विजिटेड. आई हैड नॉट विजिटेड दिस टाउन बिफोर टुडे. जेनिफर बिगिन टू रन आफ्टर शी हैड. हैड आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ और फिर आ जाएगा सीन द स्नेक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी Bob had. आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ had. Met. Met her brother before the party began. She had completed the graduation before the end of 2019. The kid had. याद रखेंगे सब्जेक्ट के साथ आपका हेड आ जाएगा प्लस आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा फॉलन. टॉम हैड क्विटेड सॉरी स्मोकिंग. आई वॉज हंग्री. आई हैड नॉट ईटन फॉर 6 hours. सो लाइक दिस. चलिए मैं आपके लिए एक दो और कर देती हूं. द पेशेंट हैड सिंपल है बहुत टेकन मेडिसिन. बहुत सिंपल है आपका ये.
आपको सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड जो है ऐड करना है. द जॉन हैड अर्न ERNED. ऐसे ही आप इन रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. प्रोवोकेशन. रीराइट दीज सेंटेंसेस. चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब एज डायरेक्टिव. ग्रैंडमा क्लीन्स द रूम थ्रोली. प्रेजेंट परफेक्ट में आपको इसको कन्वर्ट करना है. ग्रैंडमा हैज क्लीन द रूम थ्रोली. ग्रैंडमा हैज क्लीन CLEANED क्लीन द रूम थ्रोली. वी आर ईटिंग द सैंडविचेस. वी हैड ईटन द सैंडविचेस. पास्ट है, हमने खा लिए. They will be leaving for Hyderabad tomorrow. They have left for I was checking my mail. I have checked my mail. Many athletes participated. He has भी आपने आप करेंगे. Past perfect है. Many athletes participated. Many athletes have participated in the London Olympics. क्या आएगा इसमें? Had participated in the London Olympics. He had. He had the old lady. He had helped the old lady cross the street. तो ऐसे ही आपको इसको convert करना है present perfect में या फिर past perfect. Now complete this passage with past perfect form of verb given in the bracket. Marcia couldn't believe that she got get की जगह क्या आ जाएगा. She gotten the apartment. She submitted her application the previous week, but she didn't think that she had chance of actually getting it when she showed up to the take and look around. These were at least 20 other people who arrived. ED lag jayega before her. Most of them failed and so she done it. So aise hi aapko isko complete karna hai friends. Synonym and antonyms. Retreat. We have learned that synonyms are the words which have similar meaning or almost same meaning. जिनका बिल्कुल same meaning होता है और antonym होते हैं जो opposites होते हैं. We have learned that antonyms are words that have opposite meaning. एक शब्द के बहुत सारे meaning हो सकते हैं. Be quiet, be silence. तो ये सब क्या है? एक ही शब्द के synonyms हैं. Beautiful, lovely. Gorgeous. Rewrite. Task पे आ जाते हैं directly. Rewrite the following sentences by replacing the colored word with their synonyms. My father permitted me to stay over at my friend's house. Permission देना, sanction करना, allow करना, ये सब एक ही word है. तो यहाँ पे आ जाएगा my father permitted की जगह मैं full sentence नहीं लिखूंगी friends. मैं सिर्फ आपको सिनोनियम चेंज करना बता देती हूं. माय फादर अलाउड मी टू स्टे ओवर माय फ्रेंड्स होम. हाउस को हम होम भी कह देते हैं. वी मूव साइलेंटली इन द डार्क. वी मूव क्वाइटली इन द डार्क. The bike took a quick turn. The bike took a peak turn to the right. या फिर fast भी बोल सकते हैं to the right. The girl is looking very beautiful. The girl is looking very lovely. तो आपको ऐसे ही इनको क्या करना है? Rewrite करना है इनके synonyms के साथ. Write the antonym of the following words. Loose. अगर कुछ चीज loose है तो उसका जो है antonym होता है tight. Present. इसका हो जाएगा future.
तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको ऐसे इसको क्या करना है, आपको इसका अपोजिट लिखना है, बस नथिंग एल्स. राइट द सिनोनियम एंड एंटोनियम फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स. ब्यूटिफुल का सिनोनियम मैंने अभी आपको बताया था लवली, और एंटोनियम हो जाता है अगली. डेंजरस, उसका क्या हो जाता है डेंजरस का, ब्यूटिफुल लवली एंटोनियम है इसका अगली. डेंजरस दैट इज बैड, हम इसको बैड भी बोल सकते हैं, और इसका एंटोनियम है गुड. मेलोडियस, ट्यूनफुल, बहुत अच्छा है, बहुत ट्यूनफुल है, बहुत मेलोडियस है हमारा सॉन्ग, और इसका हो जाएगा डिसकॉर्डेंट. तो ऐसे ही आपको सिनोनियम और एंटोनियम इसमें फिल करने हैं. ये आपका होमवर्क है, दिस यू विल डू एज एन होमवर्क. थैंक्स फॉर वॉचिंग.